आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दीपावली का सीजन शुरू है, बाजारों में भीड़ जुटने लगी है, लेकिन इन सब के बीच लोग मौत के उस वायरस को भूल गए हैं जो भारत में अब तक 125,000 लोगों की जिंदगी छीन चुका है। इसलिए इंडिया टीवी ने मुहिम शुरू की है फिर से याद दिलाने की, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, 670 लोगों की मौत हुई है। और इस तरह इंडिया टीवी का कोरोना मीटर पर अपडेट लगातार जारी है। और जो कोरोना अपडेट है उसकी बात करें तो 84 लाख के पार ये हो चुका है। दिल्ली में हालात फिर डराने वाले हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,715 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 66 लोगों की अब तक मौत हुई है। लेकिन तस्वीर अभी और बदतर होने वाली है। दिल्ली से मुंबई तक कोरोना फिर रफ्तार पकड़ने वाला है, और इसकी वजह है वो लोग जो कोरोना के दोस्त और समाज के दुश्मन बनकर बाजारों में घूम रहे हैं, बिना मास्क पहने, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे। इंडिया टीवी के तमाम रिपोर्टर्स जोखिम उठाते हुए उन बाजारों में गए जहां कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको हर तस्वीर हम दिखाएंगे। सबसे पहले इंडिया टीवी रिपोर्टर भास्कर मिश्रा की रिपोर्ट में देखिए दिल्ली के चांदनी चौक के हालात। यहां ये बात बिल्कुल फिट बैठती है, आ कोरोना मुझे मार। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, कोरोना से लड़ने के लिए ये एक मूल मंत्र है। लेकिन मैं इस वक्त भागीरथ पैलेस मार्केट में हूँ, उसके एंट्रेंस पे आप देखिए 2 गज की दूरी यहाँ पे वो मेंटेन नहीं हो सकता है। सैकड़ों की संख्या में भीड़ है जो दीपावली के लिए यहाँ पे खरीदारी के लिए आए हैं। खासकर लाइट्स की जो शॉपिंग होती है वो अधिकांश लोग यहीं से आके शॉपिंग करते हैं, और उसके लिए यहाँ पे लोगों की तादाद देखिए, खरीदारों की तादाद देखिए, वो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे है। ऐसे में 2 गज की दूरी कम से कम यहाँ मेंटेन होते हुए नहीं दिख रही है। भीड़ देखिए आप, इतनी ज़्यादा है इस मार्केट में कि कहीं पर भी 2 गज दूरी फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। छोटे छोटे दुकान हैं और भारी संख्या में खरीदार, निश्चित रूप से वो मुश्किल है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आपको डर लगता है ऐसे में? फैलेगा और क्या होगा, डर लगता है ऐसे में ऐसी जगह पे? लगता है ना। तो फिर ऐसे भीड़ भाड़ में क्यों आते हैं? सामान खरीदने आए हैं, सामान लेने आए हैं। लगता है लेकिन हमें पता है ना भीड़ है आज। अच्छा सर, चांदनी चौक में कोशिश सब करते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है। जब पीछे से धक्का लगता है उसके अंदर कहाँ इजीली हो जाता है। लोग मास्क लगा के सैनिटाइजेशन चल रहा है, जितना चल पा रहा है वो कोशिश पूरी हो रही है। भाई साहब ये बताइए कि मास्क ढंग से नहीं पहने, डर नहीं लगता इतनी भीड़ भाड़ में? नहीं, सही बात है, डर तो लगता है। अब क्या करें, थोड़ा सांस भी लेना पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसी थोड़ा सा मतलब चलने फिर मतलब मुझे लगता नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज बची है, और अब बचा के भी कुछ कर रहा नहीं आ सकता इसमें जो है। आप आइए आराम से, त्योहार का मौका है, आराम से घर से निकलिए, शॉपिंग करिए, इंजॉय करिए, ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी और ऐसे ही आप भी चलाइए। लोगों को इस बात की चिंता जरूर है कि कोरोना काल में सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क लगा रखा है। भैया मास्क क्यों नहीं लगाया ढंग से आपने? डर नहीं लग रहा है कोरोना का? डर लग रहा है ना। फिर क्यों नहीं लगाते मास्क प्रॉपर? नहीं लगा लेते हैं। पूरे मार्केट में आप जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ भीड़ और भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो छोड़ दीजिए, 1 इंच जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। और शायद ये दुकानदारी के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा है कि बहुत दिनों के बाद दीपावली की वजह से यहाँ पे खरीदार पहुँच रहे हैं, भीड़ भाड़ है यहाँ पे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिस रफ्तार से कोरोना राजधानी दिल्ली में फैल रहा है उस पर अंकुश लगाना भी जरूरी है। दिल्ली के चांदनी चौक की तस्वीर आपने देखी, अब आपको मुंबई का हाल दिखाते हैं जो कुछ दिन पहले कोरोना का एपिसेंटर हुआ करता था। अब मुंबई में केस कम जरूर हुए हैं लेकिन लापरवाही भी बढ़ गई है। इंडिया टीवी रिपोर्टर राजीव सिंह दादर के बाजार में पहुंचे जहां लोगों की भीड़ है लेकिन चंद लोग हैं जिन्हें मास्क लगाना याद है। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जब से अनलॉक की शुरुआत हुई है उसके बाद बाजार में बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई देती है। हम इस वक्त मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हैं। सबसे पहले दादर में गोविंद रनाडे मार्ग पर मौजूद इस बाजार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको बड़ी संख्या में लोग यहां पर दिखाई देंगे। सबसे अहम बात यह है कि किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहां दिखाई नहीं देता है। दोनों तरफ दुकानें हैं, फुटपाथ पर भी लोग स्टॉल लगाकर बैठे हैं। लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत से लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं इस बाजार। हाँ तो BMC वाले उनको फाइन मार दिए इधर,
और 200 रुपए या 500 रुपए उनसे वसूल कर रहे हैं, उनके आदमी लोग भी घूम रहे ले इधर। पर ये लॉकडाउन की वजह से क्या है, मैंने कहा इधर कंट्रोल करना चाहिए। भाई साहब आपके पास मास्क आपने लगाया नहीं है, ये भीड़ में खड़े हैं जी, ये फट गया अभी ऐसे तो मैं लगा रहा था, वही बीएमटीसी वाले वो लड़कों ने पकड़ा, बोला कि 200 रुपए भरने हैं नहीं तो 3 दिन जेल होगी, या तो चौकी चलो वहाँ से 1200-1250 भरेंगे। अभी एक बच्चे को पकड़ा उन्होंने, उसके पास पैसा नहीं है, बोला भरना है तो भर, नहीं तो उसको दादागिरी कर रहे हैं, उस पर चढ़ रहे हैं, ये भी थोड़ा गलत है। बहुत लोगों के पास मास्क नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है आपके पास, दूसरा मास्क नहीं, रुमाल होना चाहिए आप, रुमाल अभी ये है थोड़ा फट गया है, अभी मैं बात कर रहा था तो निकाल। जिस तरह से लोगों की बाजार में भीड़ उमड़ रही है, आप देखिए महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जाहिर बात है कि दिवाली आ रही है, लोगों को खरीदारी करनी है, इसलिए बाजार में भीड़ लग रही है, लेकिन 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है। आपने मास्क लगाया लेकिन आपका मास्क गले में है, नाक पर नहीं है, तो ये लापरवाही, अभी ये लापरवाही है तो हम उसको हैंडल कर देगा। लेकिन बाजार में खड़े हैं आप, भीड़ में लोग आपसे आते हैं खरीदारी के, खरीदार आते हैं मिलते हैं आप, अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी नुकसान। हाँ बराबर है, ओके सॉरी। ये स्थिति जो है पूरे बाजार में आपको दिखाई देगी, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो मास्क तक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो बहुत दूर की बात है। मैडम आपने मास्क नहीं लगाया? नहीं आप भी निकाली मैं, लेकिन आप बाजार में खड़ी है, आपके पास मास्क तो भी आपने नहीं लगाया। अब बात कर रही हूँ मैं पप्पा से, अब भी जस्ट निकाली, पानी पी रही तेरे को पानी, अब भी निकाली मैं। महिला है, इनका कहना था इनके पास मास्क था, थोड़ी देर पहले उन्होंने निकाला था। ऐसे कई लोग आपको बाजार में मिल जाएंगे जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये वजह मुख्य है कोरोना का ग्राफ मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ने का। कैमरामैन स्वप्निल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। अब आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद और दिखाते हैं वहां का सूरत हाल, जहां लोगों को मास्क लगाना याद नहीं है लेकिन बहाने ऐसे याद हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इंडिया टीवी रिपोर्टर निर्णय कपूर 3 दरवाजा इलाके के बाजार पहुंचे और वहां से ये तस्वीरें भेजी। उसकी वजह से बाजारों में भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। हम अहमदाबाद के 3 दरवाजा इलाके में और यहाँ अगर आप देखेंगे बाजारों में हर साल की तरह जैसी नॉर्मल भीड़ होती है उसी तरह की भीड़ यहाँ पे आपको नजर आएगी। अगर आप सामने देखें पूरा बाजार जो है ये 3 दरवाजा का ये भरा हुआ है और यहाँ पे जिस तरह से लोगों की भीड़ है उसको देखते हुए लगता ही नहीं है कि इस बार हम कोविड के माहौल में दिवाली मना रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कहीं पे भी आपको कोविड प्रोटोकॉल को लोग फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे, ना तो दुकानदार ना ही लोग, और सोशल डिस्टेंसिंग का तो जैसे कहीं नामो निशान ही नहीं है। मास्क भी अगर देखा जाए तो करीब 50% से भी कम लोगों ने मास्क जो है वो लगाए हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं, यहाँ आप देखिए पूरे इस बाजार में कहीं भी आप नजर घुमाइए लोग जो हैं वो बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स कोविड प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल भी फॉलो करते हुए नजर नहीं आएंगे और यहाँ भीड़ ही भीड़ चारों तरफ नजर आएगी, एज इफ कोरोना जो है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। आप ये बताइए मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? सर मास्क इसके हाथ में और ये गई थी टॉयलेट तो इसलिए मैंने उसको दिया था। नहीं लेकिन आपको पता है ना आप ऐसे किसी से बात कर रहे हैं पास खड़े होकर, तो मास्क नहीं लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। वो उसके हाथ में रह गया, मैं सामान ले रही हूँ। सर मैं नहीं मानती हूँ, आपको जो करना करो, मैं नहीं मानती इन सबको, आई डोंट बिलीव इट इन कोरोना। आप बिलीव नहीं करते कोरोना? नहीं लो अंकल आप जानते हैं आपकी वजह से फैल सकता है, आपको किसी और कोई बात नहीं, आप फॉलो नहीं करेंगे? मैं किसी को भी फॉलो नहीं करती। आप देख सकते हैं ये एक महिला है जो कोरोना में विश्वास ही नहीं करती है, तो यहाँ पे और भी ये देखिए एक महिला ये खड़ी हुई, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए मैडम आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? ये आप देख सकते हैं लोगों का जो है रवैया मास्क को लेकर के, अभी यहाँ कैमरा चालू होते हैं आसपास कुछ लोगों ने तो पहन लिया। अच्छा आपने मास्क पहना नहीं हुआ था, अभी वो देख के पहन लिया? नहीं नहीं भैया वो मैं पैसे दे रही थी ना, इसीलिए पैसे दे रही थी, उससे पूछ रही थी इसीलिए हटाया है। तो मास्क तो पहन के ही रखना है? हाँ, पहन के रखती हूँ। एक मिनट भैया ये मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं? सर भूल गया था अभी ट्रैफिक में बात करने दिया ना इसलिए मास्क नहीं लगा पाया। नहीं पर मास्क तो हमेशा लगा के रखना, इतनी भीड़ भाड़ सही बात है, और वाइफ से बात करता इसलिए मास्क निकल गया था। आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, ये क्या तरीका? क्यों मास्क नहीं लगाया हुआ आपने? जल्दी जल्दी में भूल गया। क्या भूल गए? क्या मास्क भूल गए? आ रहा
क्यों नहीं पहना हुआ है यहाँ? भीड़ देख रहे हैं, भीड़ क्यों है इतनी? जल्दी जल्दी आपको मालूम है 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। आपसे पूछ रहा हूँ तबीयत अच्छी नहीं। मैडम ये मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, सुनिए, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? ये आप दोनों ने मास्क नहीं पहना हुआ है, रुको एक मिनट रुको, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? भूल गए क्या? तो आपने क्यों नहीं पहना हुआ मास्क? रुको, सॉरी साहब, सॉरी, सॉरी से नहीं होगा, आपको वायरस का नहीं लग सकता है ना। हाँ, ये मास्क लगाने का ये सही तरीका है क्या? आपको तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए ना, जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ देखिए भीड़ कितनी लगी हुई है। रखते हैं, बोलने का होता है, उसके लिए हटाना पड़ता है, बोलने के लिए आवाज नहीं आता कस्टमर को, उसके हिसाब से हटाना पड़ता है। बाकी पहना हुआ है रखते हैं 24 घंटे यहाँ, जब भी होते हैं ना, जब पहना हुआ है रखते हैं, हटाते नहीं। मास्क लगाने का तरीका है, मास्क किस तरह लगाते हैं? मास्क किस तरह लगा के घूमते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी निकाला, अभी अभी निकाला। तो मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ था? मास्क लेना नहीं पाता मेरे को, मास्क अच्छा आता नहीं है मेरे मास्क में। नहीं पर आप बाजार में इतनी भीड़ में घूम रहे हो, आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए? कितने लोग हैं मास्क बिना के? बहुत है, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत है। नहीं तो आप क्यों जिम्मेदार बन रहे हो कोरोना फैलाने के? अरे कोरोना बड़ा कुछ है नहीं, सब एक फालतू की चीज है, जाए तो फालतू की चीज है। लेकिन आपको मालूम है आप दूसरों के लिए खतरा बन रहे हैं, आपके लिए खतरा पैदा। यहाँ पे बहुत खतरे घूम रहे हैं ऐसे, मैं अकेला खतरा नहीं। मास्क लगाना भूल गए, मास्क घर पे रह गया, मास्क किसी ने लगाया नहीं, ये सारे बहाने हैं और आपको अपने आप को समझाना है, क्योंकि कोरोना ये बहाने देखकर नहीं आएगा। और आपको ना सिर्फ अपना बल्कि अपने समाज का भी ख्याल रखना है, जिम्मेदारी आपकी है और इंडिया टीवी की ये मुहिम लगातार जारी है। वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अब से थोड़ी देर बाद यानी कि शाम 4 बजे देखना ना भूलिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर स्पेशल रिपोर्ट, क्या ट्रंप के हाथ से बाजी निकल गई है।